नहीं, इन्होंने तो अपमान करा है, वहां रो करके गुजारिश कर रहे हैं, भाई 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 हमसे ये कह देते, बहन जी कभी ऐसा नहीं करती हैं, ध्यान रखिए बहन जी एक स्वाभिमानी है और अपने कार्यकर्ता को स्वाभिमान सिखाती हैं कि स्वाभिमान के साथ कैसे रहना है और कैसे अपनी बात रखनी है, कभी भी गिड़गिड़ाकर और कभी कमजोरी की बात हमारी नेता ने हम लोगों को कार्यकर्ताओं को नहीं सिखाई, हमेशा सिखाया है कि मान सम्मान के साथ स्वाभिमान के साथ राजनीति करें और अपने मान सम्मान के साथ खिलवाड़ ना होने दें, जो संविधान में बाबा साहब ने हमको अधिकार दिए उनका हम बखूबी पालन करें। तो इसलिए हम आरी नेता पर ये बात कह देना कि ये मारी आए, उनकी बराबरी कैसे हो सकती है, मान्य बहन जी ने अपना पूरा जीवन लगा दिया, मान्य बहन जी की यानी 20-22 साल के यानी मेरे से भी उम्र में छोटे होंगे वो, उनके वो कैसे बराबरी कर सकते हैं, मान्य जितना उनकी उम्र होगी उससे ज्यादा मान्य बहन जी का अपना अनुभव है, इसलिए मान्य बहन जी जो करती हैं जो कहती हैं वही करती हैं और जो मान्य बहन जी करती हैं उसमें हम सब लोग यानी पूरा समाज और जो उनके अनुयायी हैं सब उनमें आस्था रखते हैं, जो मान्य बहन जी करेंगी वो उस पर पूरी तरह से विश्वास के साथ हम सब लोग मान्य बहन जी के साथ खड़े रहेंगे। अखिलेश यादव जी कह रहे हैं कि हम जो दलितों का उद्धार करेंगे उनका अधिकार दिलवाएंगे, इसमें कितनी सच्चाई है? दलितों का उद्धार तो उन्होंने तब भी करा था जब उनके एमपी ने उनके एमपी जो थे यशवीर सिंह, उन्होंने जब लोकसभा आरक्षण में प्रमोशन का जो बिल था उसको फाड़ करके जो सम्मान दिया था वो सम्मान अभी कहीं चला नहीं गया, वो सम्मान को भी जो दबे कुचले जो गरीब समाज के लोग हैं जो एससी समाज के लोग हैं उस सम्मान को याद रखे हुए हैं कि वो उन्होंने कितना सम्मान देने का काम करा था। सर बीएसपी से कुछ लोग चले गए हैं कि हम जो समाजवादी पार्टी में जाकर के बाबा साहब का मिशन चलाएंगे, वो तो अधिकारों की बात करते हैं दलितों के, वो इसलिए करते हैं, देखिए जो लोग स्वार्थी किस्म के लोग हैं, स्वार्थी किस्म के लोगों को कहीं भी जा आ सकते हैं, उनके साथ कोई समाज का व्यक्ति नहीं जाता है कभी भी, और जब समाज का व्यक्ति नहीं जाता है तो वो इंडिविजुअल आदमी कहीं भी चला जाए अपने स्वार्थ में, इसलिए मिशन वो कैसा चलाएंगे ये आप भली भांति जान सकते हो, महापुरुषों के नाम पर बने हुए जिलों को ख़त्म करना, महापुरुषों के नाम पर बने हुए हॉस्पिटल गेस्ट हाउस या अन्य जो और साधन हैं छात्रावास हैं या शिक्षण संस्थान हैं उनको ख़त्म करना, ये साबित करता है कि वो कितने जो बाबा साहब के मिशन को मानने वाले लोग हैं, इस बात से ये प्रतीत होता है कि जिस पार्टी में वो गए कितना बाबा साहब में विश्वास रखते हैं, इसलिए उनकी बात करना बेईमानी है, उनकी बात या उनकी तुलना बीएसपी के साथ या हमारी नेता के साथ माननीय बहन कुमारी मायावती जी के साथ जो व्यक्ति करेगा वो बहन जी के साथ अन्याय की बात करेगा, वो इस तुलना के लायक नहीं है। लक्ष्मी जी तो ये समाजवादी पार्टी में गए थे आजाद जी, लेकिन वहां पर इस तरह से अपमान करा के लौटेंगे, जो सलाहकार हैं आजाद साहब के साथ में वो किस तरह से सलाह देते हैं कि कहीं भी चले जाइए? देखिए जो सलाहकार हैं उनको तो जाने वो, उनके सलाहकार क्या क्या करा रहे हैं, आजाद समाज पार्टी आज कहीं नहीं है, ना उनके पास कोई संगठन है, ना उनके साथ कोई खड़ा है, जो लोग खड़े हैं वो अपने स्वार्थी दो चार लोग स्वार्थी किस्म के खड़े हैं कि अगर पार्टी चल जाती तो वो मालिक बन जाते, अब पार्टी खत्म है वहाँ कोई कुछ नहीं बचा, कुछ नहीं है 33 सीटों पे उनको 500 वोट से भी ऊपर ना जाएंगे, आप देख लेना किसी पर भी वो एक भी उनका कैंडिडेट जमानत सबकी जब्त होगी, वो इस काबिल नहीं है कि जो समाज को बेवकूफ़ बना पाए। अभी मैं देख रहा था एक वीडियो आप लोगों के माध्यम से ही चल रही थी सोशल मीडिया के चैनलों पे ही, तो वहाँ पर उनके जो लोग जिनको वो बहकाते हैं तो वो पूरी तरह से अजीत अंजुम की मैं वीडियो देख रहा था अभी कल परसों, तो बुलंदशहर में ही यही एक गांव है वहाँ पर पूरा 1200 वोट थी दलित समाज की और वो दिखा रहे थे वहाँ पर उस वीडियो के माध्यम से, जो समाज के लोग हैं उन्होंने उसको स्वीकार करने से मना कर दिया, स्पष्ट तौर पर कहा है कि हमारी नेता अगर कोई है तो वो बहन कुमारी मायावती हैं और हमारा कोई राजनीतिक संगठन है तो वो बहुजन समाज पार्टी है, इसके अलावा ना हमारा कोई नेता है ना हमारा कोई संगठन है, पॉलिटिकल संगठन बीएसपी है, इसलिए हम बीएसपी के अलावा वहाँ के युवाओं ने, लोग कहते हैं युवा उसके साथ है, युवा कहाँ उसके साथ है, पूरी वीडियो में देख रहा था उसमें कि युवा एक कोई युवा उसके साथ खड़ा नहीं है, अब युवा जो युवाओं ने देख लिया कि ये युवाओं को धोखा देने का काम करता है, उनके खिलाफ मुकदमे लिखवाने का काम करता है, खुद निकल कर बच के चला जाता है, वो बेचारे जो गरीब माँ बाप बड़ी मेहनत मजदूरी कर करके अपने बच्चे को पढ़ाते लिखाते हैं, ये सपने देखते हैं कि बुढ़ापे में हमारा वो सहारा बनेगा और सहारा बन करके वो हमें बुढ़ापे में रोटी खिलाने का काम करेगा, और जब उनके खिलाफ
जब उनके खिलाफ मुकदमे लिख जाएंगे और ये वहाँ पर धरने प्रदर्शन मुकदमे लिखवा देंगे और जब वो जेल चले जाएंगे तो जो वो मेहनत कश मजदूर हैं वो जो सपना देख रहे थे वो सपने टूटने का काम इसने उन्हें कराया है और सपनों टूटने के हिसाब से वो जब लोग इतनी मेहनत करते हैं और मेहनत करने के बाद उनके जब सपने टूटते हैं तो कितनी पीड़ा होती है ये हम लोग समझ सकते हैं। इसलिए ये बहुत बड़ी बात है कि अगर उन लोगों ने उन युवाओं ने ये समझ लिया है इसको कि ये केवल हमारा भला करने के लिए नहीं आया है, ये केवल अपना भला करने के लिए आया है। पॉलिटिकल दो दूसरी पार्टियां हैं, बीजेपी हो या समाजवादी हो या कांग्रेस हो, उनके हाथों में खेल करके केवल अपना भला करने के लिए आया है। अपने पास देखिए, गरीब परिवार का लड़का कहने के लिए अब कई कई गाड़ियों में चलना, गनर रखना प्राइवेट, ये कहां से पैसा आ रहा है? दूसरी पार्टी फंडिंग कर करके इनको चला रही है केवल इसलिए कि बीएसपी का नुकसान करे वो। लेकिन ये बात समाज के युवाओं ने समझी है, बीएसपी का कुछ नुकसान नहीं, इनसे बाल बराबर भी कोई नुकसान नहीं है इससे, चाहे ये कहीं कुछ भी करे इससे कतई भी नुकसान होने वाला नहीं। आखिरी सवाल आपसे, बीजेपी जो है दलितों के घर जा रही है उत्तर प्रदेश में, खाना खा रही है, कैसे समझते हैं इस पूरी प्रक्रिया को? ये तो ढोंग है, सरासर ढोंग का काम है। बीजेपी के राज में सबसे ज्यादा केंद्र में भी सरकार और यूपी में भी, उसके बावजूद भी दलितों के साथ सबसे ज़्यादा अत्याचार इस सरकार में बढ़ा है। उसके बावजूद उनका ये ढोंग दिखाना कि जी वो दलितों के घर जा रहे हैं, उनका खाना पहले चला जाता है उनके घर, गिलास नहीं प्लेट तक उनके घर से पहले चली जाती है उनके यहाँ पर, यानी चटाई वटाई बिछाने के लिए पहले चली जाती है, बाद में फिर उठ के आती है वो। पहले भी कई चीज़ें देखी गई है, ये दलितों का महा अपमान है, इसको तो अपमान से भी बड़ी संज्ञा अगर कोई है महाअपमान, तो महाअपमान करने का काम किया जा रहा है। चूंकि आप लोग अगर ये समझ लीजिए कि अगर मान लीजिए वो दलितों के साथ जो अत्याचार बढ़ रहे हैं उन पर अंकुश लगा दें तो दलित तो उसी में सम्मान से महसूस कर सकता है, उनके घर खाने से महसूस नहीं होगा, उनके घर बराबर में बैठने से नहीं होगा दिखावे के लिए, उनके साथ सही मायने में वो जो तब सम्मान होगा कि वो लोग जो सत्ता में जो खाना खा रहे हैं, सत्ता के जो मालिक हैं जो खाना खा रहे हैं गरीबों के घर में दलितों के घर में, वो लोग उन लोगों के यहाँ पर या उनके समाज पर जो पीड़ा हो रही है या उनके खिलाफ जो दुराचार हो रहा है उसको रोकने का काम करें, माता बहनों के साथ जो दुराचार है उसको रोकने का काम करें, लॉ एंड ऑर्डर को सही करने का काम करें, यानी कानून व्यवस्था को अच्छी रखें, तो ये सब उन सब के साथ सम्मान की बात होती, ये कोई भी चीज़ उनके इर्द गिर्द नहीं है, इसलिए उनका महा अपमान है। हम लोग ज़्यादातर दिखावा कम और प्रैक्टिकल ज़्यादा पर विश्वास रखते हैं, तो इसलिए हमारे कार्यकर्ता डोर टू डोर कैंपेनिंग में बड़ी मजबूती के साथ लगे हुए हैं तीनों विधानसभाओं में, और बहन जी ने जिन कैंडिडेटों को आशीर्वाद दिया है तीनों को, नोएडा से कृपाराम शर्मा, दादरी से मनवीर सिंह किसान नेता हैं, और जेवर से एडवोकेट नरेंद्र डाढ़ा जी, तो ये तीनों प्रत्याशी बड़ी ही लीड के साथ इस बार विधानसभा जाएंगे और बहन जी के हाथों को मजबूत कर करके मान्य बहन जी को पांचवी बार मुख्यमंत्री जरूर बनाएंगे। सर, जो नोएडा की सीट है ये यहाँ पर शहरी वोटर बहुत ज़्यादा है,